आज का प्रीसेट है फ्रूट पंच प्रीसेट। सबसे पहले कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें जाना है लाइट पर। लाइट में जाने के बाद एक्सपोज़र कर लेंगे -0.16। कॉन्ट्रास्ट कर लेना है +26 और हाईलाइट करना है -24। शेडो करना है +30 और वाइट करेंगे +20। इसी तरह ब्लैक करना है -24। फिर जाना है कलर पर। कलर में जाने के बाद टेम्परेचर कलेक्ट करेंगे -4। टिंट करना है +2। वाइब्रेंस करेंगे +10 और सेटुरेशन करना है +24। फिर जाना है ऊपर मिक्स पर। मिक्स में जाने के बाद रेड कलर में ह्यू करेंगे -8। सेटुरेशन करना है +18 और लुमिनेंस करेंगे -8। फिर जाना है ऑरेंज पर। ऑरेंज में जाने के बाद ह्यू करेंगे -6। सेटुरेशन करना है -4 और लुमिनेंस करेंगे +10। फिर जाना है येलो पर। येलो में जाने के बाद ह्यू करेंगे -8। सेटुरेशन करना है +20 और लुमिनेंस करना है -6। फिर जाना है ग्रीन पर। ग्रीन में जाने के बाद ह्यू करेंगे +30 और सेटुरेशन +10 करना है और लुमिनेंस -10 करेंगे। फिर जाना है एक्वा पर। एक्वा में जाने के बाद ह्यू करेंगे +6। सेटुरेशन करना है +10। लुमिनेंस 0 रहेगा। फिर जाना है ब्लू पर। ब्लू में ह्यू और लुमिनेंस 0 रहेगा। सेटुरेशन कर लेना है +12। फिर जाना है पर्पल पर। पर्पल में जाने के बाद ह्यू करेंगे -6। सेटुरेशन करना है +8। लुमिनेंस 0 रहेगा। फिर जाना है पिंक पर। पिंक में ह्यू करेंगे -10। सेटुरेशन और लुमिनेंस 0 रहेगा। फिर डन पर क्लिक करेंगे। फिर जाना है स्प्लिट टोन पर। स्प्लिट टोन में जाने के बाद हाईलाइट पर जाना है। हाईलाइट में यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। फिर ह्यू करना है 250 और सेटुरेशन करना है 12। फिर डन पर क्लिक करेंगे। फिर जाना है इफेक्ट पर। इफेक्ट में जाने के बाद टेक्सचर करेंगे +6। क्लियरिटी करना है +16। डहेज करेंगे +26 और विनिटी करेंगे -20। फीदर करना है 55। फिर जाना है डिटेल्स पर। डिटेल्स में जाने के बाद शार्पिंग करेंगे 10। नॉइस रिडक्शन करना है 18। कॉन्ट्रास्ट करेंगे 6 और कलर नॉइस रिडक्शन करना है 20। ये देखिए पहले की फ़ोटो और ये अब की फ़ोटो। इसके बाद ऊपर 3 डॉट पर जाना है। यहाँ से कॉपी सेटिंग करेंगे। राइट क्लिक करना है। फिर दूसरे फ़ोटो पर जाना है। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। पेस्ट सेटिंग करना है। ये पहले की फ़ोटो, ये बाद की। इसके बाद एक और फ़ोटो देख लेते हैं। 3 डॉट पर जाएंगे। यहाँ से करेंगे पेस्ट सेटिंग। इसमें भी देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना।